वनवास का टाइम खत्म हुआ। शाहरुख खान की पठान का ट्रेलर एक एक सीन पर बजने वाली है तालियां। दरअसल दोस्तों बॉलीवुड की सुपरस्टार शाहरुख खान एक्ट्रेस दीपिका की और एक्टर जॉन इब्राहिम की फिल्म पठान कई दिनों से काफी ज्यादा चर्चा में है। इस फिल्म के ट्रेलर का इंतजार कर रहे फैंस के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। शाहरुख खान की फिल्म पठान का ट्रेलर सामने आ चुका है। इस ट्रेलर को देखने के बाद फैंस काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। दोस्त इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद लोग बस उसे देखते ही रह गए हैं। तो चलिए बिना देर के आपको बताते हैं कि फिल्म के ट्रेलर में आखिर क्या क्या दिखाई देने वाला है। शाहरुख खान की फिल्म पठान का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की इस फिल्म के ट्रेलर में कई एक्शन सीन्स दिखाई गए हैं, जिसे देखने के बाद लोग बस देखते ही रह गए हैं। इस फिल्म के ट्रेलर वीडियो में दीपिका पादुकोण भी एकदम एक्शन सीन अवतार में दिखाई दे रही है। जॉन इब्राहिम का किरदार भी काफी ज्यादा दमदार दिखाई दिया है। लेकिन जो फैंस ट्रेलर में सलमान खान की झलक का इंतजार कर रहे थे वो फिर से निराश हो गए हैं, क्योंकि पठान के ट्रेलर में सलमान खान की कोई भी झलक दिखाई नहीं दी है। दोस्तों दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की फिल्म पठान का ट्रेलर सामने आने के बाद फैंस फिल्म रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म 25 जनवरी को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म की एडवांस बुकिंग की टिकट 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से शुरू हो सकती है। फिल्म पठान के ट्रेलर को लेकर आपकी है क्या राय, प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।